बच्चों आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर में हम बहुत कुछ करेंगे, बहुत सारी कैलकुलेशंस करेंगे, और आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब हम कैलकुलेशंस कर रहे हों तो आप क्या करें कि वीडियो पॉज करके अपनी तरफ से कैलकुलेशन करो और फिर मेरी एक कैलकुलेशन के अप्रोच से मैच करो। एक्चुअली कैलकुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है और एग्जाम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं आपको बता दूं कि मैंने हजारों ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको सब्जेक्ट बहुत शानदार आता था, बहुत अच्छा आता था, सब कुछ आता था, लेकिन कैलकुलेशन जो है वहाँ पर गड़बड़ हो गई। तो ये आप आदत आज से स्टार्ट कर दें। तो देखिए, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सबसे पहले एटम के बारे में किसने बात की? डाल्टन साहब ने। उन्होंने कहा एटम इज इंडिविजुअल, ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल के बाद में उसके बाद थॉमसन साहब ने बात की, उन्होंने फ्लम पुडिंग मॉडल दिया, आप सब जानते हैं ना, मेरे को ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा कि शायद एटम के सेंटर में कोई हैवी चीज़ है और उसके चारों तरफ कोई हल्की चीज़ चक्कर लगाती है जिसकी डेंसिटी बहुत कम है, और सेंटर पर कोई चीज़ है जो हाईली डेंस है तो उसको न्यूक्लियस कहा और चारों तरफ चक्कर लगाने वाले को इलेक्ट्रॉन कहा। लेकिन वहाँ एक समस्या ये हुई कि जो इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व राउंड करेंगे तो उसके अंदर से एक्सीलरेशन के कारण, क्योंकि एक्सीलरेटेड मोशन है, आप जब कोई चीज़ चक्कर लगा रही है तो एक्सीलरेशन जरूर है, सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन मस्ट है। एक्सीलरेशन है तो साफ रेडिएशन भी होगा, रेडिएशन होगा तो फिर वो तो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि रेडिएशन हो रहा है यानी एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है तो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है। ये एक समस्या थी। तो उसके बाद में नील्स बोर जो है ना वो आए, तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं नील्स बोर से। अब ये नील्स बोर में है ना, थोड़ा सा आप लोग ये स्पेलिंग को चेक कर लो, ये एन आई ई है या एन ई आई है, है ना, थोड़ा सा ये मेरे को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। हाँ, मतलब हजारों बार लिखने के बाद भी ये कन्फ्यूजन खत्म नहीं होता है, ये इंग्लिश लैंग्वेज की शॉर्ट कमिंग है, ठीक है, या हमें अब वो पता नहीं क्या चक्कर है प्रोनाउंसिएशन का भी। अरे, इनके प्रोनाउंसिएशन का भी कोई नियम ही नहीं है, मतलब बकवास है। हमारे यहाँ देखो कितनी परफेक्ट लैंग्वेज है हमारी हिंदी लैंग्वेज, लेकिन पता है इतनी परफेक्ट लैंग्वेज को जानने वाले को हम समझते हैं कि ये तो पढ़ा लिखा नहीं है। अंग्रेज का एक लाइन बोल दो अंग्रेजी की समझ लेते हैं पढ़ा लिखा, पता नहीं। नील बोर, चलिए जी, नील बोर के दो पोस्टुलेट हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट, मोस्ट ऑफ द मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एज अ पॉइंट पार्टिकल। पार्टिकल मान लो, मोस्ट ऑफ द मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एज अ पॉइंट चार्ज। पार्टिकल पार्टिकल ही रहने दो, है ना, पॉइंट तो थोड़ा सा गलत हो जाता है ना। मोस्ट ऑफ द मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एज पार्टिकल, एज अ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ एटम, कॉल्ड व्हाट? कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस, राइट? ओके, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रिवोल्यूशनरी मोशन इज
अवेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो देखिए बात बड़ी सिंपल थी. क्या थी कि ये आपका एक पर्टिकुलर सेंटर है, इस पे मोस्ट ऑफ दी मास है, मोस्ट ऑफ दी चार्ज इसी के ऊपर है, है ना. हैवी डेंसिटी है, बहुत भारी डेंसिटी है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, राइट. अब सवाल ये उठता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो मस्ट है, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कुछ हो ही नहीं सकता. तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए उन्होंने कहा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू के जेड प्लस ई माइनस ई, है ना, प्लस ई माइनस ई अपॉन आर स्क्वायर. और रिजल्ट मिलाकर के कुछ ऐसा आया कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. व्हाट इज जेड? जेड इज एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, है ना. ये आपका इक्वेशन नंबर वन था, इक्वेशन नंबर वन था. सेकंड पॉस्टुलेट जो नील बोर ने दिया वो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व राउंड ओनली इन सर्टेन ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस, है ना, यहां लिख दो रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई. यानी कि इनका कहना यह है कि ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन चाहे जहां आ जाएगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स ऑर्बिट्स हैं, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ऐसी ऑर्बिट्स हैं कि उन ऑर्बिट्स में एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई के बराबर है. दिस पोस्टुलेट इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. क्वांटाइजेशन में कहीं कहीं जेड भी लिखा जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एक्चुअल में ये जेड है, इसका चक्कर तो जो है ना अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का चक्कर है. ब्रिटिश इंग्लिश में क्वांटाइजेशन एस लिखा जाता है, अमेरिकन में जो है जेड लिखा जाता है. तो ये एंगुलर मोमेंटम है, राइट. अच्छा, ये एंगुलर मोमेंटम फिक्स हैं, यानी कि आप बदल नहीं सकते इनको, उसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है. यानी कि इलेक्ट्रॉन मर्जी है जहाँ चक्कर नहीं लगा सकता, एन एच अपॉन टू पाई. नील्स बोर ने कहा कि इन दीज ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी. कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता है. हालांकि बोर साहब ने उस समय इसका कोई कारण नहीं बताया, बस बोल दिया कि कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता है. लेकिन इसका कारण बाद में डी ब्रोगली के कंसेप्ट से एक्सप्लेन किया गया. तो डी ब्रोगली ने श्रोडिंगर का कंसेप्ट यूज में लेकर के स्टेशनरी वेव वाला कंसेप्ट कि स्टेशनरी वेव बनती है अंदर और इस वजह से स्टेबिलिटी आती है. स्टेशनरी वेव बन रही हैं तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज नहीं होगी. तो ये चीज़ हम आपको पढ़ा चुके हैं मैटर वेव थ्योरी के अंदर. मैटरवेव थ्योरी में ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी गई है आपको कि हाउ द बोर्स ऑर्बिट आर स्टेबल ऑर्बिट्स. तो वो कर दिया गया है. अगर मान लो कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से जूम सेशन में पूछ सकते हो.
राइट। अब आपके पास में ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, हम इन दोनों का यूज करके बहुत सारी कैलकुलेशंस करेंगे। अच्छा, कैलकुलेशंस में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूं तो आप वीडियो पॉज करके अपने आप को चेक करें कि आप कैलकुलेशन करो अपनी तरफ से कैसे करोगे, है ना। चलिए तो अपन सबसे पहला स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, इन ऑर्बिट। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, मैं सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को लिख देता हूं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हम सारी कैलकुलेशन इन्हीं दो इक्वेशंस से करेंगे, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन टू पाई, ठीक है। आप देखेंगे तो ये आएगा आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर वन है, राइट। उसके बाद इक्वेशन नंबर टू आपकी फिक्स है, एम वी आर बराबर एन 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 एच अपॉन टू पाई, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर टू है। मैं वन एंड टू को आपस में डिवाइड कर रहा हूँ, जब मैं वन एंड टू को आपस में डिवाइड करता हूँ बहुत आसानी से वी आता है, देखना चेक करना, के जेड ई स्क्वायर इंटू टू पाई अपॉन एन एच एन एच। अब यहाँ अगर आप ध्यान देंगे ना तो k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, z और n वेरिएबल है, z एटॉमिक नंबर, n है ऑर्बिटल नंबर, तो ये दोनों वेरिएबल है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कह सकता हूं कि v प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n, एकदम क्लियर कट बात, राइट। अच्छा, अब ये जो चीज है ना ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की जरा मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, क्या कांस्टेंट है, k e स्क्वायर 2 पाई अपॉन h। देखिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप अपनी तरफ से कैलकुलेशन करें और फिर देखें कि दोनों कैलकुलेशन करनी नहीं है, कैलकुलेशन की अप्रोच में डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस क्या है। तो देखिए मैं कर रहा हूं इसको 9 इंटू 10 रेस टू पावर 9, 1.6 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन एच, एच है 6.62 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 34। अब देखिए इस कैलकुलेशन को अगर हम एकदम परफेक्ट करने लग गए ना तो हमारा धमाका उड़ जाने वाला है, एग्जाम में परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं आती है, हाँ केवल उसको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को छोड़ करके। अब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो है ना उसके अंदर जो कैलकुलेशन आती है वो सिंपल होती है, मतलब वो जानते हैं कि हमें क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं करते जो बच्चा परेशान हो जाए, उनको तो केवल नॉलेज जाननी होती है फंडामेंटली। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इतने लापरवाह होते हैं कि कैलकुलेशन सॉल्वर करने की कोशिश ही नहीं करते, केवल सब्जेक्ट सीखते रहते हैं, फिजिक्स सीख लेते हैं, केमिस्ट्री सीख लेते हैं, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो भैया कुछ नहीं होने वाला। तो 9 इंटू 10 रेस पावर 9 देखो आप इसको, इसको मैं 2.56 लिख रहा हूँ, 10 की पावर माइनस 38 लिख रहा हूँ, इसको मैं 6.28 लिख दे रहा हूँ, इसको मैं 6.62 लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ मैं एक घोटाला करने के मूड में हूँ, लेकिन घोटाला करते ही मेरे दिमाग में चीज़ें रहेंगी कि हम गड़बड़ कर रहे हैं। ये देखो ये मैंने इसको इससे काट दिया, ये स्मॉलर क्वांटिटी, ये बिगर क्वांटिटी है, मैंने बिगर क्वांटिटी को स्मॉलर क्वांटिटी से काट दिया, तो बिगर क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब मेरा जो भी आंसर आएगा वो कम आएगा इससे, जो भी आंसर आने वाला है उससे कम आएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा मैनेज करने के लिए इस 6 को 0 लिख देता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा मैनेजमेंट हो जाएगा, हल्का सा मैनेजमेंट हो जाएगा कि भाई थोड़ा उधर से कम कर दिया तो छोटी क्वांटिटी को थोड़ा हमने रिड्यूस कर दिया, यानी हमने बैलेंस करने की कोशिश कर ली हल्की सी, ये 2.56 था। देखो इसको मैं थोड़ा सा अलग तरह से लिखूं, ये था 2.56, मैंने इसको जीरो बनाया, ध्यान दो, ठीक है। अच्छा अब ये क्या होगा, 2.5 को आप जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22.5 आता है, 10 की पावर, सबसे इंपॉर्टेंट होता है 10 की पावर, उसका आप क्या करते हैं, 10 की पावर माइनस 34 है यहाँ पे, जब आप बोल ले जाएंगे 10 की पावर माइनस 4 बचेगा, 10 की पावर 5 आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल। अब देखिए मेरे को ये बात पता है कि ये जो हमने कैलकुलेशन की है गलत है, ये 22.5 से कम ही आएगा आंसर, तो मैं इसको 2.2 लिख देता हूँ इंटू 10 की पावर 6 लिख देता हूँ मीटर पर सेकेंड, ये आपकी कैलकुलेशन आ गई। अब मैं पता है वेलोसिटी का जो है ना
फॉर्मूला क्या बनाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, 2.2 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन, ये आपकी वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया, राइट। चलिए वेलोसिटी के बाद में हम बात करेंगे रेडियस की, है ना। तो चलिए मैं रेडियस की बात करूंगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अब रेडियस ऑफ ऑर्बिट करते समय हमारे पास फिर से दो इक्वेशंस हैं, और दोनों इक्वेशंस में एक खास बात है, एम वी स्क्वायर आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर है, और एम वी आर बराबर एन एच अपॉन टू पाई है। ये तो बेटा दोनों इक्वेशन है ही हमारे पास, इसको मैंने थोड़ा सा मॉड्यूलेट करके लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन को। तो अब यहाँ वी आ रहा है हमारे पास, तो हम वी को सबसे पहले ख़त्म करना चाहेंगे, तो इसका स्क्वायर कर दो टू का। तो देखो टू का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन क्या, एन एच एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन टू पाई का स्क्वायर। टू पाई का स्क्वायर लिख दो फोर, पाई का स्क्वायर जो है ना आप 9.8 लिख दिया करो, पाई का स्क्वायर 9.8 लिख दिया करो, या देख लेंगे अगर कहीं कटेगा तो कटकटा जाएगा, ठीक है आपके पास में ये चीज़ आ गई, है ना। अब मैं इसमें उसका भाग लगाता हूँ, टू में वन का भाग लगाता हूँ, तो देखना टू में वन का भाग लगाने पर आर आएगा हमारे पास, टू डिवाइड बाई वन करो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर को हम एम वी स्क्वायर आर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे लग रहा है आर और एम आएगा, है ना, एम और आर बच जाएगा, एक एक एम बच जाएगा एक आर बच जाएगा, चेक करो जरा, एक एम बच जाएगा एक आर बच जाएगा, है ना, और क्या क्या बच जाएगा, और बच जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर इंटू पाई स्क्वायर यानी 9.8 बच जाएगा। ये आपका नीचे वाली चीज बच गई, और नीचे ये चीज आएगी के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर, के को आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो अभी लिखने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं, अच्छा यहाँ से पाई उड़ाने पर आ जाएगा क्या, मजा आएगा क्या 4 पाई लिखने से, लेकिन क्या फायदा, वो भी कोई फायदा नहीं है, आप रहने दो ऐसे, ठीक है जी। आर आपके पास में आ गया, आर आपके पास में आ गया एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड, एच स्क्वायर अपॉन 4 × 9.8 इंटू ई स्क्वायर, ई स्क्वायर रहने दो अभी चुपचाप, और एम भी आ जाएगा बेटा देखना जरा, हमने कुछ नहीं किया इसमें, इसका भाग लगाया है ना, और ये कर दिया कैलकुलेशन। चलिए जी अब जरा मैं आर की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एन स्क्वायर जेड को देखिए आपका वेरिएबल क्वांटिटी है, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट है, जेड आपका एटॉमिक नंबर है, तो वेरिएबल क्वांटिटी। अब बाकी ये सब चीज़ें कांस्टेंट है, तो मैं जरा इसको कर रहा हूँ 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 है, इसका स्क्वायर करना है, 4 × 9.8 है इंटू 2.56 है इंटू 10 की पावर माइनस 38 है, आप चेक करिए ई का स्क्वायर कर दिया मैंने, ई मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 9.1 है इंटू 10 की पावर माइनस 31 है, ये लो जी ये सारा गेम है, ये सारा गेम है। तो देखिए आर इक्वल टू क्या रहा है, अब आप देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये 6 नहीं है 7 में, 6 से ज़्यादा है 7 से कम है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब आप इस पे ऐसा करें कि जैसे जैसे बड़ी क्वांटिटी होती जाती है उसका स्क्वायर जो है बढ़ता चला जाता है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, बढ़ गया ना, बड़ा अंतर आ गया, 1 एंड 2 में अंतर कितने का है 1 का, लेकिन स्क्वायर में अंतर कितने का आ गया 3 का आ गया। इसी तरीके से अगर आप 1 और 3 के स्क्वायर का अंतर देखेंगे तो सोचो 2 और 3 के स्क्वायर का अंतर देखो, चलो 2 और 3 का, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, समझने की कोशिश करो, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, वो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 और 9 में डिफरेंस 5 का आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो वाला डिफरेंस बढ़ता है बड़ा वाला, तो हम इसको लिख सकते हैं 40 इंटू 10 की पावर माइनस 68। आप देखो मैं इसको
49 से दूर रखा है मैंने। अब आप कहेंगे कि सर ये 6.62 थोड़ा ज़्यादा है तो इसको 42 ही लिख दो। हाँ एग्री, 42 लिख दो, लेकिन फिर भी मैं 40 लिखने में ज़्यादा बिलीव करूँगा, क्योंकि बड़े नंबर जो है ना दूर जा करके गैप ज़्यादा क्रिएट करते हैं। चलिए अब हम 4.98 रहने दो, इसको रहने दो और वो 9.1 रहने दो। देखिए यहाँ मुझे लग रहा है कि हमने थोड़ा सा छोटा किया है क्वांटिटी को, थोड़ा सा क्या किया, छोटा किया है क्वांटिटी को, 40 से ज़्यादा आएगा, 40 से ज़्यादा आएगा, लेकिन मैं जानबूझ के 40 लिख रहा हूँ, तो मेरे को बाकी कैलकुलेशन ईजी करनी है ना, मुझे कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं बनानी, कैलकुलेशन को ईजी बनाना है, तो मैंने ये बड़ी क्वांटिटी को थोड़ा सा स्मॉलर किया है। अब जब बड़ी क्वांटिटी को थोड़ा सा स्मॉलर किया है तो मैं इसको बोलूँगा 4 × 9.8 × 2.5। मैंने यहाँ भी छोटा कर दिया, यानी कि जो वो बड़े होने के कारण जो डिफरेंस आया था उसको मैंने थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश की है ना, इसको भी 9 कर दिया। अब देखो आप 10 की पावर का जरा कार्यक्रम देखो, मुझे लग रहा है इट विल कम 69, तो ये हैं ई स्क्वायर। अच्छा ई स्क्वायर तो 10 की पावर माइनस 19, हाँ 38 सही तो लिखा है बाबा, एक का गड़बड़ हो रहा है, आर इतना छोटा थोड़ी आ जाएगा, इतना बड़ा थोड़ी आएगा आर, ये 10 की पावर 69 माइनस 69 आ रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ कर दी है, है? ऐसे कैसे भी? एम आपने लिख दिया बिल्कुल ठीक है 38, तो ये तो 10 ही आ जाएगा फिर, बहुत बड़ी रेडियस आ जाएगी जी। नहीं जी सवाल ही नहीं, एटम की रेडियस तो बहुत छोटी होती है जी, ऐसे कैसे? देखो अच्छा 9 × 10⁻¹⁹ भूल गए, हाँ के लिखना भूल गए, के कहाँ है, के लिखो भाई, आपने तो के भूल गए, के आएगा ठीक है ना, ई स्क्वायर आ गया, एम आ गया, के को भूल गए, जेड आपने साइड में निकाल दिया, ठीक है के को लिखो, के को लिखो 9 × 10⁻¹⁹, अब चेक करो अब सही होगा सब, ठीक है। तो नाउ इट विल कम 40 से आप 4 काट दो 10 ही आ जाएगा है ना, हाँ 10 रख दो बिल्कुल मस्त बिंदास, कोई इश्यू ही नहीं है। 9.8 रख दो, 2.5 रख दो, 81 रख दो 9 × 9 = 81 हो जाएगा। अब जरा आप 10 की पावर को रखो, क्या रखोगे वहाँ पे, एकदम ईमानदारी से ये 10 आ जाएगा और एक 10 की पावर -8 आ जाएगा है ना, -8 आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए मैं इस कैलकुलेशन को भी सही नहीं करूँगा, 10 × 10⁻¹⁹ है यहाँ तक तो ठीक है, मैं पता है इसको क्या करूँगा, ये 81 है ना, ये 9.8 है, तो मैं इसको लिखूँगा 10 और इसको लिखूँगा 2.5 और इसको लिखूँगा 80, ए लो। अब देखो मैंने 9.8 को थोड़ा बढ़ा दिया, 81 को थोड़ा कम कर दिया, तो बैलेंस फिर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, है ना, सही कैलकुलेशन नहीं कर रहे लेकिन हम फिर भी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो R इक्वल टू कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, ये आपका आएगा 10 की पावर -10 और 2, तो 1/2 × 10⁻¹⁹, यानी कि R बराबर आ गया 0.5 × 10⁻¹⁹ मीटर, ये आपका R आ गया, मतलब ये सॉरी हमने कांस्टेंट की कैलकुलेशन की है, एन स्क्वायर जेड तो साथ में रखना है ना, एन स्क्वायर जेड तो साथ में रखना है, आप कैलकुलेशन जो है ना कांस्टेंट की ही तो करोगे, तो आर आपका कुल मिलाकर क्या गया, एन स्क्वायर अपॉन जेड और एन स्क्वायर अपॉन जेड, राइट, तो आर आपके पास में अप्रोक्सीमेटली आ गया है 0.5 × 10⁻¹⁹,
इंटू एन स्क्वायर जेड। अब ये आपके पास आ गया, जबकि आर को अगर हम थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेसी में जाते हैं तो आपको पता है वैल्यू 0.529 इंटू 10 की पावर माइनस 10 एन स्क्वायर जेड। ये आपको कैलकुलेटेड वैल्यू याद रह जाती है कई बार, 0.529 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 एन स्क्वायर जेड, ये आ गया। चलिए ये आपकी रेडियस आ गई। अब हम बात करते हैं, एक्चुअली ये मैं इसलिए नहीं सिखा रहा कि आपको पता नहीं है, पता सबको है, मुझे पता है, अच्छी तरह से केमिस्ट्री वालों ने फिट कर रखा है दिमाग में, रटा रटा। मैं कैलकुलेशन को प्लान कर रहा हूँ कि आप लोग कैलकुलेशन प्लानिंग सीखिए, क्योंकि कैलकुलेशन प्लानिंग अगर नहीं है ना तो बड़ी समस्या हो जाएगी एग्जाम हॉल में, है ना। पूरा नॉलेज होते हुए आपका सवाल गलत होगा, कितना गंदा लगता है, है? चलिए आगे देखिए, हमने वेलोसिटी निकाल ली, रेडियस निकाल ली, अब जरा काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं, है ना। देखो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर बस बात करता। तो देखिए हाफ एम कितना, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, ये एम है। वी स्क्वायर कितना है, देखिए वी स्क्वायर, वी की बात करो जी, वी जो है आपका कॉन्सेप्चुअली जो आया था वी, वो ये था ये वाला था, है ना। तो जब आप इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो आप वहाँ लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, इसको वहाँ लेके चलो, है ना, के जेड ई स्क्वायर 2π/nh, इसको याद रखना मेरे लिए तो बड़ा, के जेड ई स्क्वायर 2π/nh। चलो देखें, कोशिश करते हैं, हाफ कहाँ गया भाई, हाफ, चलो एक बार हाफ एम वी स्क्वायर लिखो, वी स्क्वायर को हम लिखेंगे के जेड ई स्क्वायर 2π/nh, nh था क्या, ऐसा ही था शायद, इसका स्क्वायर करना है। तो देखिए हाफ एम स्क्वायर को एम स्क्वायर रहने दो, के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 इंटू 2π, यानी कि 4π² एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, राइट। मैं इससे कैलकुलेशन नहीं करूँगा इसकी, क्योंकि अब हमारे पास, अच्छा एक बात बताऊँ, कभी भी ये आदत मत डालो, जब आपके पास एक रिजल्ट रखा है तो आप उस रिजल्ट का यूज़ करिए। अब मैं यहाँ पे वी स्क्वायर लिखूँगा, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 वी स्क्वायर। वी हमारा कितना था, देखिए ये आपका वी था 2.2 इंटू 10 की पावर 6, और इसका स्क्वायर करो आराम से, तो मैं कर रहा हूँ 2.2 इंटू 10 की पावर 6, और इसका स्क्वायर तो करना ही है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर भी आएगा, है ना। आप अगर वहां से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पूरा करना पड़ेगा, है ना, जो रखा है उसको काम में ले लो। 2.2 को लिखते हैं 4.84, 10 की पावर 12 आएगा ना यहाँ पे, ठीक है जी, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसको अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं, दिस आंसर विल कम इन जूल। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हैं बदल दीजिए, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है बार बार। 9.1 इंटू 4.84 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, ये माइनस 19 हो गया शायद, है ना, हाँ जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो आप इसको लिख दीजिए 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19। अब आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, आंसर विल कम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये काइनेटिक एनर्जी आ रही है भैया, तो काइनेटिक एनर्जी देखो कितनी आएगी, हाँ ये 9.1 है, ये 4.84 है, ओके तो अब देखिए हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे कि ऊपर नीचे का हाँ कर तो सकते हैं हम, फिर भी देखो ये जैसे 1.6 है, ये 9.1 है, तो हम ऊपर 9 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 4.8 अपॉन 2 इंटू 1.5 लिख दो, इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर लिख दो,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। तो अब ये 3 आएगा अप्रोक्सीमेटली, इसको 3 कर दो, 3 × 4.8 करो, 3 × 4.8 करोगे तो कितना आएगा, ये 13.4 आएगा आपका, है ना। हाँ तो ये 13.4 आया आपका, हमारा आंसर 13.4 आया, जबकि आप लोग जानते हैं कि आंसर क्या आने वाला है। यह आंसर क्या आता है, 13.6 × Z² / N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने लापरवाही करी तो 13.4 आया। मान लो आप ऐसी ही लापरवाही एग्जाम में करते हैं तो सही है, करो, है ना। लेकिन अब लापरवाही का मतलब ये नहीं आप इतनी बड़ी लापरवाही कर जाएं कि आंसर दूर दूर आंसर हैं तो भी नहीं करनी चाहिए, तो भी नहीं करनी चाहिए। 10 की पावर का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, मतलब आप इतनी सी लापरवाही करो कि हल्का सा चल जाए। और इसका भी ध्यान रखो, अगर ऊपर कोई क्वांटिटी बढ़ाई है नीचे घटा दो, कुछ इस तरह की चीज़ करो। जैसे अब आप देखो यहाँ पे, देखो हमने क्या किया, ये क्वांटिटी जो थी ना इसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया था, देखो 9.1 कम कर दिया, 4.84 कर दिया, अब ये 1.6 लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो पता है क्या हुआ था, इसको 1.5 कर दिया था, यानी यहाँ से तो हमने 1.5 किया, यहाँ से हमने 1 और यहाँ से 0.4 घटाया, यानी कि ऊपर क्वांटिटी बहुत कम किया, यानी आंसर निश्चित रूप से इससे ज़्यादा आएगा, 13.4 से ज़्यादा आंसर आएगा, 13.6 करेक्ट है, ठीक है ना। ये भी आप चेक कर लिया करो कि आप जो गड़बड़ कर रहे हो उसके कारण जो भी आपका रिजल्ट आने वाला है वो कम, वो एक्चुअल रिजल्ट से कम होगा या ज़्यादा होगा। तो नेचुरल है कि यहाँ जो रिजल्ट आने वाला है वो एक्चुअल रिजल्ट से कम होगा, एक्चुअल रिजल्ट से कम होगा 13.6 लिख दो, होगा वहाँ ऑप्शन में निश्चित रूप से। तो ये मैं इस चैप्टर का उपयोग कर रहा हूँ आपको कैलकुलेशन समझाने में, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी की बात करो। पोटेंशियल एनर्जी होता है -K Z E² / R, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा। तो इसको आप कैलकुलेट करो, K Z E² / R, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब R को जो है ना आपको लाना है, R कहाँ है, ये बड़ा पेचीदा काम है, बहुत ही डिफिकल्ट काम है, R को लेके आना, ले ला हुआ, लेकिन मैं अब मैं R लिखूंगा भैया यहाँ पे। R कहाँ है हमारा, R की कैलकुलेशन चेक करो जी कहाँ है। अजी साहब वो तो डायरेक्ट लिख ही देंगे हम, लेकिन थोड़ा एक बार वो वाला चीज़ तो लिखो, R असल में है क्या, R R R ये रहा R, ये है असल में R, है ना। तो नीचे है 4 × π² E² m / mk और h स्क्वायर है, तो और वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, n स्क्वायर जेड तो है ही, तो आई एम ट्राइंग टू गेट इट देयर, आप लोग देखना, n स्क्वायर h स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, और ये 4 लिख देता हूँ पाई, हाँ तो आप एक बार चेक करिए जरा, यहाँ r लिख रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले मैं n स्क्वायर लिख दिया हूँ, h स्क्वायर लिख दिया हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, z लिखूँगा या 4 × π² लिख दिया, और क्या था, सॉरी नहीं वो रेडियस था ना, यस 4 × π² लिख दिया। अब यहाँ पे जेड आएगा, ई स्क्वायर एम के आएगा, है ना, जेड ई स्क्वायर एम के, करेक्ट। तो ये आ जाएगा जेड ई स्क्वायर एम, अच्छा वो तो ऊपर जाएगा, जेड ई स्क्वायर एम के ये आएगा, ठीक है। अब ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ये मस्ट है कि ये आएगा ही आएगा, इसी तरह से आएगा। तो आपके पास में ये आ गया है -4π² अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर के ई की पावर 4 के स्क्वायर ई की पावर 4 एम, एम भी है क्या, एम तो बस एम तो एक ही बार ही आया, मैं क्या कहूँ एम एक बार आया, तो ठीक। तो आप देख लीजिए 4π² जेड स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन करना,
इसलिए मुझे पता है, आप सबको पता है इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी, हाँ सबको पता है क्योंकि केमिस्ट्री वाले सर ने सब समझाया हुआ है, हाँ क्या आएगी कैलकुलेशन, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आएगा, तो है आपको। लेकिन मैं इसका यूज करके आपको कैलकुलेशन, और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये समझ लो, मेरे को लगता है इस कैलकुलेशन पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो सारा करा कराया पे पानी फिर जाएगा। जेड स्क्वायर के क्या है, 9×10^9, e^4, 1.6×10^-19^4, n कितना, 9.1×10^-31 h^2, 6.62×10^-34 का स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज हमने रख लिए हैं। अब आप वैल्यू चेक कर लीजिए एक बार, इसको 9.8 लिख दिया पाई स्क्वायर को, जो हम हमेशा लिखते हैं, जेड स्क्वायर को जिंदा रखा, और ये माइनस तो आएगा ही आएगा, 1.4×10^-19^4 किया है, ठीक है ये, और ये 9.1×10^-31 किया है। अब देखिए, आई विल डू फ्यू अप्रोक्सीमेशंस, 4×9.8 अभी रहने दो चुपचाप, इसको हम थोड़ी देर बाद में अप्रोक्सीमेशन करेंगे, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, समझने की कोशिश करो, हम कहाँ कहाँ तत्काल कर देते हैं, हाथों हाथ अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं, और कहीं कहीं पर हम रुक करके करते हैं। 1.6 का स्क्वायर 2.56 होता है, फिर 2.56 का स्क्वायर, देखो 2.5 का स्क्वायर 6.25 होता है, लेकिन ये 2.56 है, इन थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, है ना, तो हम उसको लिख देते हैं 6.5×10^-76। अब देखो 2.5 का स्क्वायर, है ना, 2.56, अब ये गड़बड़ तो हमने करी है, क्योंकि 6.25 आएगा, मुझे लगता है 7 के आसपास आएगा, क्योंकि 2.56 जो है ना 226 के पास में है, सोचो 2.56, इट इज क्लोज टू द 6। अच्छा तो अब देखिए, आप 25 का स्क्वायर तो आपका 625 होता है, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर बताओ, सोचो 26 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आता है, 26 का स्क्वायर करने के लिए आप क्या करें, 26×2 = 52 और 26×6 = 156, तो आप देखिए 26 को 26 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ये स्क्वायर आपको याद रहने चाहिए ना, मैंने कहा था ना स्क्वायर याद रखा करो, 26 को 6 से करो तो 156 आएगा, 26 को 6 से करेंगे तो 156 ही आता है, हाँ 156 ही आता है, टेबल तो मेरे को याद है, 26 को 6 से करेंगे तो 156 आता है, 26 को 2 से करोगे तो कितना आता है, 52 आता है, और ये जो है ना 52 में आप कितना जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे, है ना, तो 6.76 आता है, 676 आता है ना, हाँ 676 ये आया। अब 676 आया तो हमने सही लिखा है, 6.5 तो ठीक है, थोड़ा बल्कि और भी कम ही लिखना चाहिए, चलो ठीक है, ये आपने कर दिया, 76×9.1×10^-31 अपॉन 6.62 का कितना, 40, 10^-38, है ना। आप ये कैलकुलेशंस जो मैं कर रहा हूँ ना, इनको लापरवाही से मत लो, मतलब ये समझ लो तुम्हारी जिंदगी इसी में छिपी पड़ी है, कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, और जैसे ही कोई कैलकुलेशन करें, जैसे अपन जूम सेशन पे भी जब सवाल करते हैं, तो आप कैलकुलेशन को जल्दी से आप लोग किया करो, टीचर पर कैलकुलेशन छोड़ने का मतलब है आप खत्म हो रहे हो अपने आप को, चलिए 81, 4×9.8
इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू। अब देखिए यहाँ पर हम चीज़ों को अप्रोक्सीमेटेड करने जा रहे हैं। ये 6.5 जो है ना, अभी मैंने जो कैलकुलेशन की उससे मेरे को थोड़ा सा, अब जैसे 26 का स्क्वायर आपको अगर पता हो 6.76, मतलब 2.6 का स्क्वायर, अब 2.56 का स्क्वायर होना है वहाँ पे, तो 2.56 का स्क्वायर इससे थोड़ा सा डिस्टेंस पर होगा, तो ये हमने थोड़ा बड़ा ही लिखा है बेसिकली, थोड़ा सा बिगर लिखा है इसको, ये 6.4 के आसपास आना चाहिए था, है ना, लेकिन हमने थोड़ा बड़ा कर दिया, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि बड़ा आएगा, दिमाग में रहना चाहिए कि बड़ी वैल्यू आएगी, रिजल्ट बड़ा आएगा, यानी हम जो कर रहे हैं उससे थोड़ा सा मतलब उससे छोटा रिजल्ट आएगा, बिकॉज वी हैव पुट द लार्जर वैल्यू, है ना। चलिए 81 इंटू 10^18, हाँ तो 81 को आप, है ना, अब 80 कर दो, थोड़ा सा उधर से बढ़ाया तो इसको 80 कर दो, है ना, जिसे थोड़ा छोटा हो जाएगा बस, हाँ थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करो, उसको 9 कर दो इंटू 10^-31। ठीक है, अब देखो इतना बैलेंस करने के चक्कर में हो सकता है थोड़ा छोटा हो गया हो, यानी बराबर सी आएगी, है ना। हाँ तो अब यहाँ पर आपका 40 है, अच्छा यहाँ एक चक्कर है, ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आनी चाहिए थी, नहीं सही है, ये भी सही है, 40 सही है, 40 × 10^-38, क्योंकि आपको ये वाली चीज़ पकड़ में आ जानी चाहिए कि जब हम हायर क्वांटिटीज़ का, बड़ी क्वांटिटीज़ का स्क्वायर करने लगते हैं तो वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ये आ गया, बस अब आप इसको जो है ना, बाकी कैलकुलेशन हम करते रहेंगे, आप सबसे पहले इसकी 10^10 लिख दीजिए, 4 × 9.8 को भी मैं, हाँ आप 40 लिखी दो, 40 लिखी दो, 40 से 40 काट दो जी, ठीक है, ये आपका आ गया 80 × 9, इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है जी, 80 × 9 × Z² / n² करेक्ट। तो ये कितना पावर में आ रहा है देखना, 38 और ये 18 और ये 31, तो मुझे लगता है 31 ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10^10, बड़ी पावर आ गई भाई, ऐसे कैसे इतनी सारी पावर, कैसे 76 को छोड़ गए क्या, अच्छा आप पावर्स को ही छोड़ गए, 10^-76 है ना, एम आर स्क्वायर, ये 68 आएगा ना, ये तो 38 थोड़ी है, 68 है। अब देखो मतलब मैं भी गलती कर रहा हूँ, आप सोचिए थोड़ा कितनी गंभीर बात है, हैं? चलो मैं तो खैर गलती इसलिए कर रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना, 68 तो कितना आएगा, ये 10^10 आएगा, -8 आ जाएगा शायद, ऊपर जाएगा 10^-8 आ जाएगा, है ना, 10^-8 आ जाएगा, और फिर आपका जो है ये 10^10 हो जाएगा, 10^10 हो जाएगा, तो ये 10^-20 बनाएगा, -21, है ना, तो 9 × 80 × 10^-21 ये आपके पास में आ गया, 10^-21, राइट। अच्छा अब आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहते हैं तो आप 1.6 × 10^-19 से भाग लगाइए, तो योर आंसर विल कम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो आप देखो कि ये अगर 10^-21, है ना, हाँ ये मतलब कॉशियस होना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए भाई बहुत जबरदस्त, कैलकुलेशन तो मतलब ये समझ लो बड़ा पार्ट है, बहुत बहुत बड़ा पार्ट है, तो 1.6 × 10^-19 का भाग क्यों लगाया, जिससे कि वो ये आंसर जूल में आएगा आपका, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो आ रहा है ये तो गड़बड़ हो रहा है, 10^-19 ही आना चाहिए ना, ये भी है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम, ये 10^-68 है,
आप 76 में से करेंगे 10 की पावर माइनस 8 आएगा वहाँ पे, ओके। और ये 10 की पावर माइनस 31 है, वो 10 की पावर 18 है, तो 10 की पावर 10 आएगा, 10 की पावर माइनस 21 आ जाएगा, बिल्कुल ये 40 है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 10 की पावर माइनस 21, ये 1.6 है, एक्चुअल में चक्कर क्या पड़ रहा है, एक 10 की पावर का चक्कर पड़ रहा है, क्योंकि ये आएगा यहाँ पे, देखो अगर मैं इसको 10 की पावर माइनस 20 लिख देता हूँ ना, तो 72 अपॉन 1.6 इंटू कितना, 10 की पावर माइनस बना रहा है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अच्छा अब आना चाहिए इसको 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 27.2 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना चाहिए, आना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि हमने कैलकुलेशन में कहीं कहीं मतलब गड़बड़ की है। अब पता है गड़बड़ क्या की है हमने, हमने ऐसी कोई तूफान नहीं मचाया है, बस हम कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जो छिपी हुई है, हिडन है, और वो गलती होती होती है। आपने इसको 40 कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, 81 कर दिया, 10 की पावर 18 कर दिया, नो इशू, 6.5 कर दिया, नो इशू, 10 की पावर माइनस 76 कर दिया, 19 फोर जो कितना होता है, 76 ही होता है, 19 फोर जो 76 होता है, माइनस 31 है, और 40 इंटू 10 के पावर माइनस 68 है, पूरी बाबा रे क्या हो रहा है, कुछ छोड़ रहे हैं क्या, एक, हाँ एक 9.1 छोड़ रहे हैं, नहीं नहीं छोड़ा ना, ये एक 9 ज्यादा लिख गए, एक मिनट जरा, ये 81 ठीक है, ये 9 भी लिख दिया, ये 6.5 छूट रहा है शायद, है ना, हाँ 6.5 छूट रहा है, 6.5 छूट गया भाई कैलकुलेशन में से, है ना, इसीलिए गड़बड़ हो रही है। यानी देखो कि आप इसे समझने की कोशिश करो, ये बातें इग्नोर करने वाली नहीं है, 6.5 सब जगह मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 6.5 मल्टीप्लाई करो, चलिए जी कैलकुलेशन वापस से करो, माइनस 72 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 1 अपॉन 1.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी आपके सामने एक एग्जांपल है कि हम कैसे कैसे गड़बड़ कर सकते हैं, कितना जाएगा ये, माइनस 72 इंटू 6.5 कितना आएगा, ये करके देखो, अब ये आ जाएगा, मेरे को लग रहा है इसको अपन 4 से करेंगे ना, जैसे इसको अप्रोक्सीमेटली 4 से करो, 4 से करो, फिर ये 0.1 यहाँ पे आ जाएगा, 7.2 को 4 से करेंगे तो ये 28 के आसपास आएगा, है ना, हाँ 28.8 आ रहा है अपना, तो माइनस 28.8 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है हमारा, हमें पता है कि गलत है, ठीक है। अब आप सवाल ये उठता है, ये वैल्यू इससे कम आएगी, ये कैसे डिसाइड करोगे, इससे कम आएगी कैसे डिसाइड करोगे, देखो आपने कहीं पर बहुत बड़ी जो है ना घोटाले किए होंगे, और वो घोटाले ऐसे किए होंगे कि वैल्यू को बड़ा बना देंगे, यहाँ तक तो सही है, हाँ, तो ये मोस्ट प्रोबेबल जो है ना, इस 6.5 में पंगा है। अच्छा यहाँ पे अपन ने 4 से काट दिया, वो भी एक बात है ना, तो ये थोड़ा बढ़ा गया, मतलब कुल मिलाकर के आपको, लेकिन वहाँ एक बात आप निश्चिंत रहिए, वहाँ आपको जो आंसर मिलेंगे ना,
वो बहुत क्लोज मिलेंगे। और आपको बताऊं 10% तक का वेरिएशन आता है तो आप मस्त रहा करो। लेकिन न्यूमेरिकल टाइप में जो आएगा उसमें आपको एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में जिसमें इंटीजर टाइप न्यूमेरिकल टाइप भरने वाला आता है ना, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अंदर बाकी कैलकुलेशन जो फोर ऑप्शन टाइप है उनमें तो मस्त रहा करो, उनमें 10% तक का गैप आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे 10% तक का गैप क्या 2.72 होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका आ गया। अच्छा टोटल एनर्जी कितनी आएगी? टोटल एनर्जी क्या होगी आपकी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आप काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड करेंगे ना तो आपको बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट निकल के आएगा। और वो ये निकल के आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी का जो अमाउंट है वो काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है। ये होता ही है, ग्रेविटेशन में भी ऐसा होता है और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ऐसा होता है, दोनों में होता है। तो देखिए ये आपका निकल के आ जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2R। ये टोटल एनर्जी आ जाएगी क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ, तो इसलिए ऐसा आएगा आपका। और इसका आंसर जो है जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो जैसे आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी थी 13.6 और ये है माइनस 27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपकी टोटल एनर्जी आ गई है माइनस कितना 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपकी टोटल एनर्जी आ गई है, राइट। अच्छा यहां अब आपको आकर के मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर आपका दिमाग खींचना चाहता हूं, है ना? हाँ जी, वो है रिड्यूस्ड मास कंसेप्ट। तो एक नया कंसेप्ट है ये, मतलब ये आपको सीखना पड़ेगा, रिड्यूस्ड मास कंसेप्ट। रिड्यूस्ड मास कंसेप्ट आपको वैसे तो पता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, आप जानते हैं ये चीज, ठीक है? ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है 11th क्लास के अंदर। आज मैं इस कंसेप्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है यहां पर देखिए, फंडामेंटली क्या है, एंटायर नेचर को ईश्वर ने, गॉड ने या नेचर ने एक ही तरह से बनाया है। सारे विश्व को, सारे यूनिवर्स को एक ही डिजाइन में बनाया है, डिजाइन बदली नहीं है, डिजाइन बदली नहीं है। देखो मैं आपको समझाता हूं, जैसे प्लेनेटरी मोशन, चलो सबसे पहले मिल्की वे की बात करते हैं। मिल्की वे का सेंटर होता है, उस सेंटर के अराउंड काफी सारे स्टार्स घूम रहे हैं, बहुत सारे स्टार्स घूम रहे हैं मिल्की वे के सेंटर के अराउंड, ठीक, करेक्ट, ओके। हर स्टार का अपना अपना, प्लैनेट्स हैं, हर प्लैनेट के अपने अपने सैटेलाइट हैं। जैसे मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, इसी तरह सैटर्न के बहुत सारे सैटेलाइट हैं। अब आप देखो क्या जंबल्ड चीज है कि नेचर ने क्या अरेंजमेंट किया है कि एक सेंटर है, उसके चारों तरफ कुछ चक्कर लगाते जाएंगे, फिर उसमें जो स्पीसीज हैं वो नई सेंटर बनेंगे, उसके चारों तरफ कुछ चक्कर लगता जाएगा, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर इस तरह से होता जाएगा। अब हमारा जो यहाँ पर समस्या है मास, आप देखिए अगर सेंटर फिक्स है, जैसे हमने सन की बात की, तो देखिए सन जो है उसको अगर हम सेंटर पे फिक्स मान लेते हैं कि भाई एक फोकस पर फिक्स है सन, एक फोकस पर फिक्स है, तो सन और अर्थ, हम जब कैलकुलेशन करते थे ग्रेविटेशन की तो हम अर्थ के मास को लेते थे, सन के मास को फिक्स रख देते थे कि भाई सन का मास इतना है, और अर्थ का मास हम कैलकुलेशन में लेते थे, और कैलकुलेशन हमारी मोर और लेस करेक्ट ही आती थी, हमेशा करेक्ट आती। लेकिन अगर हम सन को रेस्ट पर न लें, वेरिएबल है सन भी रेस्ट पर नहीं है, मोशन में है, तब फिर क्या करेंगे? फिर रिड्यूस्ड मास की जरूरत पड़ती है। तो देखिए मैं अगर अर्थ और सन की बात करता हूँ तो रिड्यूस्ड मास ऑफ सन अर्थ सिस्टम, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत कनेक्शन है, और सवाल आते हैं एडवांस में, जरूर आते हैं। सन अर्थ सिस्टम में क्या था रिड्यूस्ड मास, कि जैसे सन का मास था कितना 2 × 10⁻³, अर्थ का मास था
5.6 इंटू, चलो 6 ही लिखो, 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। अब देखो आप यहां पे मैं लिखूंगा 2 इंटू 10 की पावर 30 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 24। अब देखो मैं इसको कैलकुलेट करने की ट्राई कर रहा हूं, यह है 10 की पावर 24 बाहर निकाल देते हैं हम, और यहां आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस 1। अच्छा प्लस 6 रहने दो, प्लस 6 रहने दो, है ना, प्लस 6। तो आप देखो प्लस 6 इंटू 10 की पावर 24, ठीक है जी। अब आप सोचो 20 लाख में आप 6 ऐड करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि भाई ये 10 के पावर 24 से 10 के पावर 24 गया, और इसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 2 इंटू 10 के पावर 30 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 10 के पावर 6। उस 6 को आप नेग्लिजिबल मान सकते हो, इस वाले 6 को नेग्लिजिबल मान सकते हो, तो आपका 10 की पावर 6 से चला जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका 6 इंटू 10 की पावर 24 आ जाएगा। आप कहोगे सर सन और अर्थ के लिए तो सेम मास आया है, फिर आप जो ग्रेविटेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें रिड्यूस मास लगाने के लिए क्यों बोल रहे हो? हाँ, मैं ग्रेविटेशन के जितने फॉर्मूले हैं सब में रिड्यूस मास लगाने के लिए बोल रहा हूँ। पता है क्या ऐसा हो चुका है कि कई बार इन लोगों ने इमेजिनरी सवाल बना के दे दिया, इमेजिनरी सवाल। जैसे इमेजिनरी सवाल कैसे बनता है कि 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, उसके चारों तरफ 5 किलोग्राम का ब्लॉक चक्कर लगा रहा है, ठीक, 10 किलोग्राम 5 किलोग्राम का ब्लॉक चक्कर लगा रहा है। अब आप इसका टाइम पीरियड निकालिए, अब आप इसकी एनर्जी निकालिए, अब आप इसकी रेडियस निकालिए, अब आप इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालिए, अब फॉर्मूले सारे वही लगेंगे, फॉर्मूले सारे वही लगेंगे, एकदम फिट, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो GMM अपॉन आर स्क्वायर है, बस उसमें जो रिवॉल्विंग पार्टिकल है ना उसके मास की जगह डिफरेंट मास आ जाएगा, इसका मास तो 10 ही रहेगा। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या था ग्रेविटेशन का, GMM अपॉन आर स्क्वायर था, हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, माइनस GMM अपॉन आर था, है ना। हाँ, इसमें इस कैपिटल एम पे फर्क नहीं पड़ने वाला, ये स्मॉल एम बदल जाएगा अगर ये स्टेबल नहीं है तो, अगर ये स्टेबल नहीं है तो, स्टेबल है तब तो फिर ठीक है। इफ दिस 10 किलोग्राम मास इज फिक्स्ड देन नो प्रॉब्लम, देन नो प्रॉब्लम, बट इट इज नॉट फिक्स्ड, फिर हम कहेंगे इट इज रिलेटिविस्टिक मोशन, इट इज रिलेटिविस्टिक मोशन, उसको रिलेटिविस्टिक मोशन बोलेंगे। और फिर आपको एम को क्या लिखना पड़ेगा, रिड्यूस मास लिखना पड़ेगा। अब आपका रिड्यूस मास फर्क पड़ेगा, 5 और 10 है, बहुत फर्क पड़ेगा। अब देखना 5 और 10 है तो 5 × 10/15 यानी 10/3 मास आ जाएगा जी। आपको इस एम बी का 10/3 रखना पड़ेगा, तब जाके आपके रिजल्ट्स एकदम करेक्ट आएंगे, एकदम करेक्ट आएंगे। अब वो क्या होगा, रेडियस तो उसके रेस्पेक्ट में आएगी, लेकिन अब ये स्टेबल नहीं है, वो भी स्टेबल नहीं है, दोनों मोशन में है, तब आपके साथ में ऐसा करना होगा। अब जैसे देखो हम इलेक्ट्रॉन पर इसी चीज को अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन पर इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे, तो अगर आपके जितने भी फॉर्मूले आए हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, अगर ये स्टेबल मान लिया जाता है, ये प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल मान लिया जाता है, है ना, कि दिस इज स्टेबल, इट इज नॉट मूविंग, इट इज नॉट इन मोशन, फिक्स है, फिक्स है, तब तो कोई समस्या नहीं होती आपको, तब तो आप क्या करते हो, म्यू निकालोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन का 1836 टाइम्स होता है, तो इलेक्ट्रॉन को आप 1 मान लीजिए, प्रोटॉन को आप 1836 मान लीजिए, और आप इसको मान लीजिए 1837, एक जोड़ दोगे ना तो क्या आया, ये तो 1 ही आ गया, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वो कभी कभी एग्जाम में, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके, बहुत सारे क्वेश्चन, उसमें उन्होंने क्या कर रखा है कि इमेजिनरी सिस्टम बना दिया, इमेजिनरी सिस्टम बना दिया। उसमें पता है क्या किया,
कि इसका मास बता दिया और इसका मास बता दिया, चार्ज भी बता दिया इसका, तो चार्ज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास में फर्क पड़ जाएगा। जैसे मान लो इसके चारों तरफ कोई इमेजनरी पार्टिकल चक्कर लगा रहा है, नेगेटिव है प्रोटॉन के चारों तरफ, जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास का 918 टाइम्स है, ऐसा पार्टिकल है। अब अगर आपने उसमें केवल मास रख दिया ना डायरेक्ट, प्रोटॉन की जगह तो प्रोटॉन का मास रखो, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉन के मास की जगह सीधा इलेक्ट्रॉन का मास रख दिया या ये वाला मास रख दिया, तो आपका गलत हो जाएगा सवाल, फिर आपको रिड्यूस मास रखना पड़ेगा। रिड्यूस मास क्या आएगा देखो, इस केस में प्रोटॉन आपका जो है 1836 टाइम्स होता है, यहां इन्होंने कह दिया कि जो मास चक्कर लगा रहा है दैट मास इज 918 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन आर अपॉन, अब ये इसको ऐड करो, यानी अब आपका ये आंसर आ रहा है 1836 अपॉन 3, ये आ रहा है भैया, यानी कितना आ गया आपका 612 आ गया, ये मास आएगा आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसमें उन्होंने कहा है, स्पेसिफिकली कहा है द सेंट्रल मास इज नॉट स्टेशनरी मूविंग। अब मूविंग कैसे, वो कैसे मूव कर रहा हो, किसी भी स्टाइल में मूव कर रहा हो, अब आपकी रिलेटिविस्टिक मास आएगा और रिलेटिविस्टिक मास को हम रिड्यूस्ड मास कहते हैं, तो रिड्यूस्ड मास आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशंस में सवाल हैं, मैंने आपको DPP भेज रखी है, उनमें हैं ऐसे सवाल, हम करेंगे, राइट। तो ये सब बातें हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांजिशन पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन पर मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि आपके केमिस्ट्री वाले बहुत अच्छी तरह से बातें कर चुके हैं इन पर, है ना। हाँ, तो मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन पर बात कम ही करूंगा। होता क्या है कि जैसे ये मान लो आपका है और ये आपका है, हाइड्रोजन के बारे में ही बात करेंगे हम, क्योंकि एक बात देखिए, एक चीज समझिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में आप लोग जानते हैं लाइमेन बामेर पासेन ब्रैकेट फुंड, ये सब जो बातें होती हैं ना केवल हाइड्रोजन के लिए होती हैं, अदर एटम्स के लिए ये सीरीज के नेम नहीं है, है ना। हाँ, तो हाइड्रोजन में केवल सिंगल प्रोटॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं, तो ग्राउंड स्टेट पे एक ऑर्बिट होता है, ग्राउंड स्टेट पे जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद वाले जो ऑर्बिट्स होते हैं उसकी एनर्जी होती है -13.6 (n²), हमने जेड बराबर 1 लिया है हाइड्रोजन के लिए, है ना। अब आपका अगर मैं यहां थोड़ा सा छोटा डायग्राम बनाऊं इसका, है ना, तो मान लो जैसे ये मैंने प्रोटॉन बना दिया, या इसको मिटा करके बना देता हूं मैं, छोटे छोटे डायग्राम बना देते हैं ना, जैसे आपका मान लो ये प्रोटॉन है, अब आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, समझ रहे ना, बहुत सारे इन्फाइनाइट तक है एनर्जी लेवल्स, वो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं, अब आपका ये 1 है, ये 2 है, इसको K बोलते हैं, इसको L बोलते हैं, इसको M बोलते हैं, इसको N बोलते हैं, इसको O बोलते हैं, ये आप केमिस्ट्री में बहुत कर चुके होते हैं। कभी कभी किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है तो वो उछल जाता है, हायर ऑर्बिट में चला जाता है, कहीं से एनर्जी मिल गई तो। अब हायर ऑर्बिट में जाके वहाँ ठहर नहीं सकता, वो 10^-8 सेकंड से ज़्यादा नहीं रोक सकता, तो वापस आना पड़ता है। जब वो वापस आता है तो उस एनर्जी डिफरेंस को वो रिलीज करता है। जैसे मान लो इसको हमने हाइड्रोजन को गर्मी दी, कहीं से दी, डिस्चार्ज ट्यूब में गर्मी दी। अब डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उछलता है, और अगर मान लो हमने जोरदार एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन जोरदार उछलता है, फिर आते समय ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट भी आ सकता है और रुक रुक करके भी आ सकता है,
जैसे आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ दी, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आकर के रुका तो ये फोटोन की लाइन यहाँ से निकल जाएगी, ये फोटोन की लाइन निकल जाएगी, उसको क्या कहते हैं सोचो। यहाँ से अगर ये यहाँ आ गया तो भी फोटोन की लाइन निकल जाएगी, यहाँ से अगर यहाँ आ गया तो भी फोटोन की लाइन निकलेगी, यहाँ से अगर यहाँ आया तो भी निकलेगी फोटोन की लाइन, मतलब फोटोन निकल के आ जाएगा, एक फोटोन एनर्जी डिफरेंस क्या, फोटोन निकल के आ जाएगा, तो एनर्जी डिफरेंस का फोटोन निकल के आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि जो एच न्यू होता है वो होता है माइनस 13.6 वन अपॉन एन टू स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन वन स्क्वायर। इसको आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, ये पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। अब देखिए इस एच न्यू को आप है ना एच सी अपॉन लैम्डा भी बोल सकते हो, एच सी अपॉन लैम्डा भी बोल सकते हो। इसको आप एनर्जी डिफरेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो ओरिजिनल से, ओरिजिनल एनर्जी आई थी ना आपकी, ओरिजिनल एनर्जी कहाँ निकाली थी, एनर्जी कैलकुलेशन की थी भाई, ये रही ये काइनेटिक एनर्जी थी, इसी के इक्वल अमाउंट में डबल नेगेटिव कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और इसका नेगेटिव कर दोगे टोटल एनर्जी आ जाएगी, इसका मतलब इसका नेगेटिव ही टोटल एनर्जी है, असल बात ये है। तो देखो टोटल एनर्जी जो है ना मैं यहीं लिख देता हूँ नेगेटिव, नेगेटिव है, और इसको जरा देखना ये 2π² है ऊपर, 2π² 2π² एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 2π² एम के जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब ये जो एनर्जी है ना ये वाली जो चीज है 2π² एम के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर जेड स्क्वायर एन स्क्वायर आप बाहर निकाल सकते हैं। अब हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे जेड बराबर वन हो जाएगा, जेड बराबर वन हो जाएगा, तो आपका जो एच म्यू आया उसको आप कह देंगे एच सी अपॉन लैम्डा, वो फंडामेंटली आएगा ये सब कांस्टेंट 2π² एम के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर, ये है ना, और 1 अपॉन एन स्क्वायर आएगा, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, ये हमने कर दिया। अब इसको फाइनल कैलकुलेशन 1 से 2 में जा रहा है, 1 से 3 में जा रहा है, 1 से 4 में जा रहा है, 4 से फिर वापस लौट करके आएगा, है ना। तो देखिए अब इसको आप जब लिखेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा क्या लिखेंगे आप, 1 अपॉन लैम्डा को लिखेंगे 2π² एम के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच क्यूब सी, ये आपके पास आ गया और ये आ गया 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, राइट। ये बेटा 1 अपॉन लैम्डा जो आया है इसमें ये जो क्वांटिटी है इसको हम कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, ये आपको पता होगा, है ना। चलो तो 1 अपॉन लैम्डा को हम कह देते हैं 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, ये आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसको मैं आर एच वाई कह देता हूँ रिडबर्ग कांस्टेंट, और बाकी ये चीज़ है 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, ये लैम्डा डायरेक्ट आएगा आपका 1 अपॉन लैम्डा आएगा। 1 अपॉन लैम्डा को हम है ना जो वेव नंबर भी कहते हैं, वेव नंबर भी कहते हैं, एक्चुअली फंडामेंटली इट इज नंबर ऑफ द वेव्स अवेलेबल इन यूनिट लेंथ। 1 अपॉन लैम्डा का मतलब है हाँ वन लेंथ और लैम्डा कितनी भी लैम्डा उसमें अवेलेबल है यूनिट लेंथ में, डेट इज वेव नंबर, ये हम बोलते हैं। और रिडबर्ग आप जानते ही हैं, अब ये रिडबर्ग जो है ना इसकी कैलकुलेशन भी करनी है, हैं आप लोग करिए, आप लोग करिए रिडबर्ग की कैलकुलेशन कितनी आएगी, मेरे को वैल्यू याद नहीं है, हैं 2π² अब आपका सिर पचेगा, आप कहोगे अरे तो फिर सर कैलकुलेशन करवा रहे हैं, अरे सर तो जो है ना एकदम सही करवा रहे हैं, तुम्हारे दिमागों के अंदर जो है ना ढीलापन है। एम 9.1 × 10⁻³⁻¹, सोचो आपका टीचर इतना बूढ़ा है उसके बाद वो इतनी
हिम्मत कर रहा है कि वो कैलकुलेशन करने के लिए तैयार हो रहा है, हैं? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि क्या समस्या खड़ी होती है, उसको समस्याओं का पता है, इसलिए वो आपको सावचेत कर रहा है, आपको सावधान कर रहा है। अब देखो, सबसे पहले तो ये देख लो कि हमने किसी को छोड़ तो नहीं दिया। चलो जी, आप ध्यान दो, 2 × 9.8 × 9.1 सॉरी ये 81 आएगा ना, 10^18 अच्छा 10^-31 ये लिखते भी जाओ भैया, कई बार पावर भूल जाते हैं, कई बार पावर भूल जाते हैं। ये 2.56 जब आप करेंगे तो ये कितना आएगा, 6.5 ले लो इसको, -76 तो ये आएगा 3 × 10^8 6.62 को 40, अच्छा अब ये क्यूब है तो भैया एक बार तो 40 लिखना पड़ेगा, एक बार 6.62 और रखना पड़ेगा, और ये 10^-34 है तो बताओ कितना आएगा, 34 3 बताओ, हैं? -102 ये आया, और 10^3 ये 3 भी आएगा, अच्छा ये पहले लिख दिया। अब देखो हम कुछ भूल तो नहीं गए, भूल गए तो जिम्मेदारी आपकी है, है ना। अच्छा इनमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं कि टाइम कंज्यूम करो आप, खराब करो ना, टाइम खराब नहीं करना, फटाफट फटाफट करनी है। अब थोड़ा सा हम कहीं पर गड़बड़ करेंगे, थोड़ा सा हम कहीं पर सही सही करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे 2 × 10 कर दे रहा हूँ, इसको 9 कर दे रहा हूँ, मैंने घोटाला किया ना यहाँ पे, तो मैं इधर थोड़ा सा करेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस ठीक है, ये सही है, इतना सही है। अब आप जरा इसको कैलकुलेट करो, ये पावर सारी चेक करो जरा, जरा कड़कड़ा के खत्म करो पावर्स को, ये 102 है, ये 76 है, तो 76 102 मतलब मेरे को लग रहा है कि ये 26 आ जाएगा, है ना, इसको और इसको काटेंगे तो 10^26 आ जाएगा, है ना, ओके 10^26 आ गया, और ये 10^-5 आएगा, हाँ ये 10^-5 आएगा, इसको और इसको काट देंगे तो 10^-5 आ जाएगा। अच्छा ये 10^8 है और ये 10^18 है, तो 10^10 आ जाएगा, 10^10 यानी कि कुल मिला करके 10^10 से 10^-5 बढ़ेगा तो 10^5 आ जाएगा कुल मिला के, बस ये आपका आ गया, तो 10^5 आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब जरा आप देखो, ये है 3 × 6.62 × 40। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये जो 3 × 6.62 है इसको 20 लिख रहा हूँ, तो आप देखो सबसे पहले तो मैं इस 0 से 0 उड़ा देता हूँ, है ना, हाँ ये आ जाएगा 18 18, 2 × 9 आजकल 18 होते हैं, 2 × 9 आजकल 18 होते हैं, और ये आ गया 80, और ये कितना आ जाएगा, 20 लिख देते हैं इसको, यानी कि हमारा आंसर आ रहा है 18 × 10^5। अब ये गड़बड़ तो है ही, क्योंकि उसका आंसर शायद 1 कितना, ये 18 बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है क्या, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, कुछ छोड़ गए तो भी समस्या है, मतलब ये है। अब देखो एक चीज़ और है ना, कैलकुलेशन करने में आपको केयरफुल होना है, क्योंकि एग्जाम आपको फाइट करना है, मुझे नहीं फाइट करना, मैं कैलकुलेशन में कितने परफेक्ट हो जाऊं उससे कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है, और ये कैलकुलेशन नहीं है, फिजिक्स नहीं है, ये सिंपल 9th 10th
एर्थ क्लास की मैथमेटिक्स है, और हम अगर हम एर्थ नाइन्थ टेंथ क्लास के जो हमारी कंटेंट है उसके कारण अगर हम अपना पेपर बिगाड़ दें, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है, इससे बुरी बात कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप ज़रा कंप्लीट करो इसको, है ना। ये पता नहीं, हो सकता है सही हो गलत हो, मेरे को नहीं, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पक्का पता है कि ये नहीं होती, है ना। 1.09 कुछ ऐसा आता है, है ना। तो ये 1.09 कुछ ऐसा आता है रिडबर्ग कांस्टेंट। देखूं मैं एक मिनट, जरा मैं रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू देखता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। अरे यार खुल क्यों नहीं रहा, रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग, रिडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.097 × 10⁻⁷। हाँ तो ये गड़बड़ आ रही है बहुत ज़्यादा, है ना। 1.09 × 10⁻⁷ गलत है, अपने वाले कैलकुलेशन मतलब बढ़िया से गलत हो रही है। तो देखो क्या गड़बड़ हो रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, ठीक है ना। ये आपकी रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है, है ना। इन्होंने दे रखा है मतलब ये, हाँ 1.097 × 10⁻⁷ दे रखा है इन्होंने रिडबर्ग कांस्टेंट। तो आप चेक करें, हाँ चलिए। तो ये कैलकुलेशन मतलब आप लोगों को करनी चाहिए और अच्छे से करनी चाहिए और सब में प्रैक्टिस आपको कर लेनी चाहिए। अच्छा अब जब ट्रांजिशन की बात हो रही है ना, तो जैसे वापस से जब लौटते हैं तो के सीरीज वाली, के वाली जो जितनी भी लाइनें होती हैं वो सब लाइनमैन होती हैं, है ना। लाइनमैन का मतलब क्या होता है, ऑल आर कमिंग बैक टू वन। लाइनमैन का मतलब कमिंग टू के इक्वल टू वन। कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, 2 से 1 में आ सकते हैं, 3 से 1 में आ सकते हैं, 4 से 1 में आ सकते हैं, लाइनमैन सीरीज कहलाती है ना। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन कहलाती है ना। जैसे मान लो 2 से 1 में आई तो लाइनमैन फर्स्ट, 3 से 1 में आई तो लाइनमैन सेकंड, 4 से 1 में आई तो लाइनमैन थर्ड। बामर क्या होगी, बामर, बामर वाली लाइन, वाली लाइन जो है वो आएगी 2 पर, तो कमिंग टू 2, कमिंग टू 2, एल के एल एम एन होता ना, एल इक्वल टू मतलब एल या 2 एक ही बात है ना। जब आपकी ये 3 से 1 में आ रही है तो इसका मतलब बामर 1 लाइन है, 4 से 2 में आ रही है तो बामर 2 लाइन है, 5 से 2 में आ रही है तो बामर 3 लाइन है, समझ गए आप। इसी तरीके से लाइनमैन बामर पास्ट एंड ब्रैकेट फंड आती है, राइट ओके। अब लाइनमैन वाली जो सीरीज आती है इसकी जब हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं और लैम्डा कैलकुलेट करते हैं, लैम्डा कैलकुलेट करते हैं तो ये इंफ्रारेड रीजन में आती है, नहीं सॉरी सॉरी अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है लाइनमैन वाली। बामर वाली जो है वो विजिबल रीजन में आती है शायद, है ना, और आगे जो है फिर वो इंफ्रारेड होती चली जाती है, लैम्डा बहुत ज़्यादा हो जाती है आगे वालों। ये सब बातें केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए है, है ना। अच्छा नील बोर का जो कंसेप्ट था इसकी क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स थी, तो सबसे पहली शॉर्ट कमिंग तो ये थी कि उसने एक्सप्लेन नहीं किया था स्टेबिलिटी को लेकर के कि वाई दी ऑर्बिट्स आर स्टेबल ऑर्बिट्स। नंबर 2 क्या था इसके अंदर, नंबर 2 इसके अंदर ये था कि हाइड्रोजन लाइक एटम को ही इसमें
डिस्कस किया जा सकता है, अदर एटम्स जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं उनको डिस्कस नहीं किया जा सकता, उसके लिए फिर अलग से थ्योरी बनी है ना। हाँ, दूसरा ये जीमैन इफेक्ट को नहीं समझा पाया। जीमैन इफेक्ट आप सब लोग जानते होंगे, जीमैन इफेक्ट क्या है कि जब किसी गैस को डिस्चार्ज करके उसका स्पेक्ट्रम बनाया जाता था, तो डिस्चार्ज करके स्पेक्ट्रम बनाया जाता था उसमें कुछ लाइन्स आती थी, आती हैं स्पेक्ट्रम में, अच्छा। लेकिन अगर उसी डिस्चार्ज ट्यूब को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता था तो वो जो लाइन्स आती थी वो डिवाइड होकर के सब लाइन्स में डिवाइड हो जाती थी, फाइन लाइन्स में डिवाइड हो जाती थी, दैट इज कॉल्ड एज जीमैन इफेक्ट। उसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन आए, सोमरफेल्ड साहब, है ना। वो सोमरफेल्ड की थ्योरी जो है डिटेल में आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में इतना ही है, इतना ही है। इसके अलावा और बातें करेंगे हम, एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी एक लेक्चर हो रहेगा, लेकिन ये जो लेक्चर है इसको आप थोड़ा केयरफुली लो, ठीक है। चलिए, नमस्ते।